मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। हैशटैग मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो आज बात करते हैं कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल शो लॉकअप की। दरअसल कंगना रनौत की जेल में इन दिनों काफी घमासान मचा हुआ है। हाल ही में लॉकअप में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आई आजमा फलाह ने पहले दिन से ही शो का ड्रामा कई गुना बढ़ा दिया है। वो अंजलि को परेशान करने के लिए शुभम के साथ प्लानिंग करती हैं। बाद में वो अंजलि का टॉवल लेती हैं और उससे बाथरूम साफ करने लग जाती हैं। आजमा फलाह बाहर आकर अली से कहती हैं कि आप अंदर जाकर अंजलि को बताओ कि आजमा तुम्हारे तौलिए को पोछा बनाकर फर्श साफ कर रही है। वॉशरूम में आजमा चेतन से कहती हैं, ये जिसका तौलिया है ना, वो इससे ज्यादा गटर है, वो इस फ्लोर से भी ज्यादा गंदी है। जब अंजलि को आजमा की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो वॉशरूम के अंदर जाती हैं और आजमा को बाथरूम के फर्श की सफाई करते हुए देखती हैं। अंजलि बाहर आती हैं और सबको बताती हैं कि आजमा क्या कर रही है। वो कहती हैं, आओ इसे और साफ करते हैं। अंजलि एक बार फिर वॉशरूम एरिया में जाती हैं और आजमा से कहती हैं कि वो जगह ठीक से साफ कर लें। वो कहती हैं, अगर तुम सफाई कर रही हो तो ठीक से साफ करो। आजमा उन्हें जवाब देती हैं कि मुझे ऑर्डर मत दो और वो अंजलि के चेहरे पर तौलिया फेंक देती हैं। अली मर्चेंट और मंदाना करीमी के आने और उन्हें रोकने पर उनका झगड़ा हो जाता है। मंदाना आजमा से कहती हैं, आप किसी लड़की या लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने जो किया है वो गलत है। आजमा ने पलटवार करते हुए कहा कि अंजलि ने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। मंदाना कहती हैं, नहीं मैंने देखा, तुमने अंजलि के ऊपर तौलिया फेंका था, आप उस लेवल के नहीं हो। आजमा उसे बॉडी शेम ना करने के लिए कहती हैं और मंदाना को जवाब देती हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है। आजमा ने पलटवार करते हुए कहा, आपको फिल्में मिलना बंद हो गई हैं, फ्लॉप हीरोइन। मंदाना जाकर बताती हैं कि आजमा ने ये सब पढ़ लिया है और उसने अंजलि पर हमला करने की कोशिश की। पायल रोहतगी ने आजमा को उनसे बदला लेने के लिए थैंक यू कहा। वो कहती हैं कि आपने जो कुछ भी किया मुझे लगता है कि मुझे जस्टिस मिला। आपको बता दें कि बाद में आजमा और मंदाना दोनों ही ऑरेंज टीम का हिस्सा बनना चुनती हैं। कंगना रनौत के इस कंट्रोवर्शियल शो पर आपका क्या टेक है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही बॉलीवुड की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।